आज हम एक डिश बना रहे हैं पालक मेथी सोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम, क्योंकि इसमें मक्खन भी जाएगा इसके अंदर। और ये चावल की रोटी या ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ खाओ। बाजरे की रोटी सर्दी में बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ। और इसका खाने का मज़ा ये अपना है। और जब ये खाओ तो ऊपर से कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पियो, इसके ऊपर लस्सी एक गिलास पियो। ओहो, फल देसी भाई, क्या बात है। बिल्कुल इसी तरह है। और हाँ। ये हम अब इसमें लहसुन जो है इसमें डालेंगे, एक प्याली है तकरीबन 7-8 जो है जवे इसमें है, बारीक पीसा हुआ है, इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से खुशबू आएगी तो हम इसमें ये इस तरह खुशबू थोड़ी आ जाए इसकी, थोड़ी लाल हो जाए, कच्चा लहसुन न रहे। तो ये इसमें अच्छा मैंने ये पालक जो है 1/2 किलो पालक की एक बंच जो था मेरे पास था सोया था, और उसके अलावा हरी मेथी जो है वो इसमें डाली है। उसको सबको इकट्ठे बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद इसमें जब ग्राइंड किया तो इसमें साथ मैंने टमाटर भी 4-5 अदर टमाटर वो भी इसमें शामिल किए। ज़्यादा मसाले तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करता। ये इस तरह नमक भी है, इसमें लाल मिर्च है 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच वो डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी हल्दी जो है 1/2 चम्मच वो इसमें डालेंगे, और नमक जो है वो इसमें 1/2 ज़रूर काफ़ी है। थोड़ा इसको आग कम करेंगे इसके, तो मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन देके ऊपर की अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाएगा, ये तैयार हो जाएगी। ऊपर से मक्खन डाल के इसको हम सर्व करेंगे इसको।